नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष झवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 9 पोएम नंबर 2 द यूजफुल प्लाउ, उपयोगी हल। द यूजफुल प्लाउ, उपयोगी हल। अ कंट्री लाइफ इज स्वीट इन मॉडरेट cold and heat, to walk in the air, how pleasant and fair in every field of wheat. A country life is sweet. गांव का जीवन मधुर होता है. In moderate cold and heat, ठंड और गर्मी मध्यम यानी सम। टू वॉक इन द एयर, हवा में घूमने के लिए। हाउ प्लेजेंट एंड फेयर, और ये हवा कितनी सुखद और ताजगी भरी है। इन एवरी फील्ड ऑफ वेट, गेहूं के हर खेत में, यानी गांव का जीवन मधुर सुखद है। यहाँ के हर एक गेहूं के खेतों में ताजगी भरा और खुशहाल कर देने वाला वातावरण है, और इसमें घूमने की मजा ही अलग है। द फेयरेस्ट ऑफ फ्लावर्स अडोर्निंग द बावर्स एंड एवरी मिडोज brow, so that I say no courtier may compare with them who clothe in grey. The fairest of flowers, सबसे खूबसूरत फूल, adorning the bowers, और सभी लताओं को, and एवरी मेडोज ब्रो, और घास के मैदान के किनारों को। एडोर्निंग, मोहक, आकर्षक बनाते हैं। यहाँ पर कवि गांव की खूबसूरती का दर्शन कराते हैं। सो दैट आई से, इसीलिए मैं कहता हूँ, No courtier may compare with them. कोई भी राज दरबारी की तुलना उसके साथ नहीं हो सकती। Who clothed in grey? जो पुराने कपड़े पहनता है। यानी जो पुराने कपड़े पहनता है। And follow the useful plow, और उपयोगी ऐसे हल के पीछे पीछे चलता है, यानी हल चलाने वाले किसान के साथ किसी भी राज दरबारी की तुलना नहीं की जा सकती। They rise with the morning lark and labor till almost dark. Then, folding their sheep, they hasten to sleep. They rise with the morning lark. वे, यानी किसान, सुबह को जल्दी उठ जाते हैं, and labor till almost dark, और लगभग अंधेरा हो जाए तब तक मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। Then folding their sheep, फिर अपनी भेड़ों को बाड़ में बंद कर देते हैं। They hasten to sleep, और जल्दी जल्दी सो जाते हैं। Next morning is ringing with birds that are singing.
on each green tender bough. With what content and merriment their days are spent, whose minds are bent to follow the useful plough. Next morning is ringing with birds. अगली सुबह गाते हुए चह चहाते हुए that are singing गाना गाते चह चहाते हुए पंछी के साथ शुरू होती है, यानी अगले दिन सुबह को पंछियों की आवाज़ के साथ किसान की सुबह होती है. On each green tender bough, हर एक हरे भरे और कोमल डालियों पर बैठे होते हैं, यानी पेड़ की डालियों पर बैठे बैठे पंछियों की मधुर आवाज़ के साथ किसानों की सुबह होती है. With what content and merriment their days are spent. बहुत ही संतुष्ट और खुशी से अपना दिन बिताते हैं. Whose minds are bent to follow the useful plough. जिनका मन नीचे झुककर उपयोगी हल चलाने में व्यतीत करते हैं. इस प्रकार किसान अपने हल से खेत को जोतते हैं, तब खुश और संतुष्ट होकर कार्य में व्यस्त रहते हैं. सुबह से शाम तक वह खेत में काम करते हैं, खुद पुराने कपड़े पहनते हैं, लेकिन खूबसूरत फूलों से सुशोभित वातावरण में खुद पहने हुए कपड़े पुराने होने के बावजूद किसी राज दरबारी की भी उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती. इस प्रकार इस काव्य में कवि ने हल के महत्व को समझाकर किसान के कार्य की बहुत ही प्रशंसा की है, तारीफ की है. दोस्तों, इस प्रकार इस काव्य में कवि ने उपयोगी ऐसे हल के बारे में बात करके हमें पूरे गांव के वातावरण के बारे में बताते हैं, और गांव के किसान मेहनत से अपने खेतों में कैसे कार्य में व्यस्त होते हैं इसकी बात की है. इसमें कवि कहते हैं, गांव का जीवन मधुर होता है. यहाँ पर ठंड और गर्मी मध्यम यानी सम होती है, और गेहूं के हर एक खेत में जिसमें ताजगी भरी और खुशहाल कर देने वाली हवा बहती है, उसमें घूमने की मजा ही अलग है. सबसे सुंदर फूल और सभी लताओं और घास के मैदान के किनारों को मोहक और आकर्षक बनाते हैं. इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी राज दरबारी की तुलना उसके साथ नहीं हो सकती जो पुराने कपड़े पहनता है और हल चलाता है. यानी किसान जो काम करता है उसकी तुलना किसी राज दरबारी से भी नहीं की जा सकती. वे किसान सुबह में जल्दी उठते हैं और लगभग अंधेरा हो जाए तब तक मजदूरी करते हैं, काम करते रहते हैं, फिर अपनी भेड़ बकरियों को बाड़ में बंद कर देते हैं और जल्दी जल्दी सो जाते हैं. और ये किसान शाम को जल्दी इसलिए सो जाते हैं क्योंकि अगली सुबह में उनको जल्दी उठना होता है. और ऐसे किसान सुबह में
चहचहाते हुए पंछी के गाने के साथ उठते हैं, और ये पंछी हरे भरे और कोमल पेड़ की डालियों पर बैठे होते हैं। यानी पेड़ की डालियों पर बैठे बैठे पंछियों की मधुर आवाज के साथ किसानों की सुबह होती है। बहुत ही संतुष्ट और खुशी से अपने दिन बिताते हैं जिनका मन नीचे झुककर उपयोगी हल चलाने में व्यतीत करते हैं। यहाँ पर यह काव्य समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह काव्य अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, सच में आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वे लोग भी इस प्रकार के वीडियो का अभ्यास कर पाए। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे और इसी प्रकार आप अभ्यास कर पाओ। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।